धरती पर प्रकृति का बनाया हुआ जीवन चक्र लाखों करोड़ों साल से चला आ रहा है और समय समय पर इसके बनाए चक्र में नए नए जीव जुड़ते गए और एक समय के बाद विलुप्त होते गए। प्रकृति में अगर हरी भरी घास पेड़ पौधे खाने वाले जीव अस्तित्व में आए तो मांस खाने वाले मांसाहारी भी अस्तित्व में आए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव की जो प्रकृति में अस्तित्व में तो आया लेकिन कैसे इस धरती से विलुप्त हो गया ये कोई नहीं जानता और इसके पीछे छोड़ गया अपने अवशेष। आज से लाखों साल पहले शाकाहारी जानवरों की संख्या बहुतायत में थी जो धरती पर सभी प्रकार की वनस्पतियों को तेज़ी से ख़त्म करने लगी थी। ऐसे में प्रकृति में एक जीव अस्तित्व में आया जिसने इन सभी शाकाहारियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते बन गया जंगल का राजा। मांसाहारी शिकारों को सही शब्द में अगर कोई आइडेंटिफाई करता था तो बिल्ली प्रजाति का वो जीव सेबर टूथ था जो आज से लाखों साल पहले धरती पर शेरों की जगह राज किया करते थे। ये सभी शेरों की ही तरह परिवार में रहा करते थे और एक दूसरे की हिफाजत करते। आज के शेरों की तुलना में सेबर टूथ इनसे बहुत अलग हुआ करते थे। इनके जबड़े में दो बड़े बड़े दांत हुआ करते थे जिन्हें कैनाइन कहा जाता है। इनके जबड़े इतने ताकतवर नहीं हुआ करते थे जितना कि इनकी गर्दन की मांसपेशियां जो न सिर्फ इन्हें शिकार को गिराने बल्कि उसमें गहरे दांत धंसाने में मदद करती थी। इनकी शारीरिक विशेषताओं में भारी मांसपेशियां का निर्माण था जिससे वो अपने शिकार का पीछा करने के बजाय घात लगाकर हमला करते और उन्हें मार गिराते। इनकी पूंछ बहुत छोटी हुआ करती थी जिस वजह से ये तेज़ भाग नहीं पाते थे। आज के हाथी के पूर्वज मैमथ जो कि एक विशालकाय हाथी हुआ करते थे उनका भी शिकार करने में ये जीव पीछे नहीं हटते थे और इनकी एक प्रजाति तो खास मैमथ का ही शिकार करती थी। आज के शेरों से अगर इनकी तुलना की जाए तो हर मापदंड में ये उनके ऊपर हैं। वजन, आकार, ताकत और चाकू जैसे दो बड़े बड़े दांत। सेबर टूथ अपने से छोटे शिकार को करने में रुचि नहीं दिखाते थे। जीवाश्म से यह पता लगा कि उन्होंने कभी इंसान का शिकार नहीं किया। इंसान भी तब इनसे खौफ खाया करते थे इसलिए इंसान और सेबर टूथ का आमना सामना कभी नहीं हुआ। जंगल का राजा बनने मैमथ जैसे जानवर का शिकार करने और अपनी ताकत से सबको डराने के बाद ये जीव कहाँ लुप्त हो गए ये आज भी खोज का एक विषय है। कुछ इसे क्लाइमेट चेंज की वजह से मानते हैं तो कुछ का मानना है कि शायद सेबर टूथ से भी खतरनाक कोई और जीव रहा होगा जिसकी वजह से सेबर टूथ लुप्त हो गए और साइंटिस्ट आज तक उस जीव का पता नहीं लगा पाए हैं। आपकी क्या राय है, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें UO इन्फॉर्मेशनल के साथ।